फंड फॉर ऑपरेशन एक्टिविटी, हेडिंग क्या डाल देंगे स्क्रीन? फंड फॉर ऑपरेशन एक्टिविटी, ऑपरेशन एक्टिविटी. यहाँ पे एक्टिविटीज कर देंगे. और फॉर्मेट इसका क्या रहेगा? पर्टिकुलर अमाउंट कुछ नहीं करना है, अमाउंट डबल बना लेंगे इसमें. अमाउंट और डेट अमाउंट, ठीक है? अमाउंट क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर एक आ जाएगा अमाउंट, और ये आ जाएगा नेट अमाउंट. देखो मेन चीज इसमें सबसे पहले प्रॉफिट देखना है. सवाल के अंदर प्रॉफिट आपको लास्ट में दे रखा है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2000. और यहाँ पे दो साल ऊपर दिए, पहले 2002 और एक बाद में दिया 2001. तो यो आपको बाद वाला साल है, ये करेंट ईयर है, और 2001 है वो क्या है? प्रीवियस ईयर. तो दो सन दिए होंगे, एक पुराना होगा एक बाद वाला होगा. तो बाद वाला होगा क्या? करेंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर. तो दोनों का प्रॉफिट अपने को नीचे अलग दिया होगा, नहीं दिया होगा, तो दोनों के प्रॉफिट दोनों सालों में दिए हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे. तो सबसे पहला पॉइंट अपन क्या लिखेंगे इसमें? फर्स्ट नंबर ए, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट में लिख देंगे प्रॉफिट ऑफ द ईयर. क्या लिखना है इसमें? प्रॉफिट ऑफ द ईयर. प्रॉफिट ऑफ द ईयर अपने को दे ही रखा है इसके अंदर. कितना दिया नीचे है? 2002 का 25,000. तो वो डायरेक्टली अपने को लिखना है नेट अमाउंट में. क्लियर? नेट अमाउंट में लिखने के बाद अब अपने को देखना है यहाँ पे दो चीजें हैं. सिंपल सा जो अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया था, असेट्स और लायबिलिटीज का ध्यान रखो, ठीक? तो इसमें ऐड मींस जुड़ने वाले अमाउंट. जुड़ने वाले अमाउंट कौन कौन सी है उनको चेक कर लें. तो जुड़ने में क्या होगा कि आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या आ जाएगा? पहला नंबर इसमें आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस. इसे बी नंबर दे सकते हैं जुड़ने वाले इसको. हाँ, बी नंबर. तो जुड़ने वाले सब लेंगे. तो जुड़ेगा क्यों, जुड़ने का कारण क्या है, ये अपने को क्वेश्चन में देखना है. तो इसके अंदर एक तो डेटस दिए हैं. डेटस क्या है? एक असेट्स है, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी है. ये क्या है? लायबिलिटी. प्रीपेड एक्सपेंस है, असेट्स है, और क्रेडिटर्स लायबिलिटी. क्लियर है? तो अपने को एक देखना ये है कि डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? असेट्स है. और असेट्स की वैल्यू यहाँ पर बस अपोजिट चलेगा, इतना समझना है. फॉर्मेट क्या है? एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर ले कि एक असेट्स है, एक लायबिलिटी. असेट्स और लायबिलिटी. अब असेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है मींस घटती है. इधर देख लो, इधर जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो. असेट्स और लायबिलिटी नाम मैंने बता दिए, चार नाम है. डेटर्स क्या है? असेट्स है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी. ये हो गया क्या? दायित्व. ऊपर की संपत्ति, दायित्व. प्रीपेड एक्सपेंसेस संपत्ति है मींस असेट्स. क्रेडिटर्स लायबिलिटी मींस दायित्व. अब अपने को देखना है कि असेट्स लिखने लायबिलिटी लिखी. असेट्स अगर आपकी असेट्स में देखना है, अगर ये आपकी डिक्रीज होती है. असेट्स डिक्रीज मींस कम होना. डिक्रीज मींस कम होना. असेट्स एक्चुअल में असेट्स की वैल्यू बढ़ने पर अपना प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ पे समझना क्या है, असेट्स कम होगी तो उसको प्लस करना है. असेट्स कम होगी तो प्लस करना है. प्लस वाले छांट लेना अलग, और माइनस वाले अलग छांट लेना. तो असेट्स बढ़ेगी, यहाँ पे घटेगी तो प्लस में डालेंगे. असेट्स घटेगी, इधर देख लो, तू बता रहा हूँ वो देख लो. असेट्स घटेगी तो क्या करोगे? प्लस में डालना. तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? असेट्स है. और असेट्स कितनी दी अपन संग में देख लेंगे. सर असेट्स नहीं, दो वर्ष दिया. घटना है कि बढ़ना वो चेक कर लेंगे. तो यहाँ पे देख लेंगे वो
घटना आगे बढ़ना हो तो पहले फॉर्मूला अपन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले कितने थे? 2500। 2001 में कितने हैं? 2001 में 2500 है, और 2002 में कितना हो गया? 2000। तो बढ़ा के घटा? घट गया। और मैंने क्या समझाया अभी? असेट्स घटेगी तो प्लस करना है, मीन्स आपको एड में लिखना है प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने रुपए घटे, जितना घट गया उतने का डिफरेंस 500। क्लियर? नीचे अपन डाल देंगे सी नंबर, इसमें लेस वाले लिख देंगे। डेटर्स क्या है? असेट्स है। डेटर्स पहले कितने थे? 12000 की, बाद में 15000 हुए, घटे क्या? बढ़े, बढ़ गया। और असेट्स बढ़ती है तो क्या समझा? घटती है तो प्लस करना है, बढ़ती है तो उल्टा है क्या? हाँ, घटती है तो प्लस, बढ़ती है तो माइनस, मतलब ये माइनस में लिखाएगा डेटर्स। तो अपन यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस है, अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या हुआ इसमें, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसमें क्या होगा? लेस, इंक्रीज, इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन डेटर्स। तो ये तो प्लस वाले तो ऊपर आ जाएंगे और नीचे माइनस वाले अलग। डेटर्स में कितना का होगा चेंज? 12000 से 15 होगा, 3000 का चेंज हुआ, 3000 लिख दिया। फिर उसके नीचे दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या बताया था मैंने? लायबिलिटीज है, इनसे एक दायित्व, और दायित्व का बढ़ता है घटता है, दायित्व में सीधा चलेगा, असेट्स में उल्टा चलता है कि घटेगा तो अपन जोड़ेंगे, और अगर वहाँ पे क्या मैंने घटेगा तो जोड़ेंगे और बढ़ेगा तो माइनस करेंगे, और लायबिलिटीज में सीधा चलेगा, घटेगा तो घटाएंगे, बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? बढ़े हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1000 से 3000 हुए, और ये क्या है? एक दायित्व है, दायित्व आपके बढ़ गए, बढ़ गए मतलब आपको प्लस करना, दायित्व बढ़ गए तो कितना प्लस करना है, तो प्लस में लिख देंगे यहाँ पर इंक्रीज। क्या होगा? किस चीज में इंक्रीज हुआ? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज यहाँ पर आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज कितना बढ़ गया? 1000 से 3000 हो गया, मीन्स 2000 रुपये का इंक्रीज हुआ। कुल मिला के कितना हो गया अपना इंक्रीज का? ये हो गया। इसके बाद है नीचे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 15000 से कितने हो गए? 13000। और क्रेडिटर्स है क्या? क्रेडिटर्स मीन्स लेनदार, और लेनदार 15000 से 13 हो गए, मतलब दायित्व आपके घट चुके हैं। दायित्व घटे तो अपने को क्या करना? मैंने सीधा बताया था दायित्व में सीधा चलेगा, घटा तो घटाना, बढ़ा तो बढ़ाना। दायित्व घटे मतलब घटने में लिखना है, यहाँ पर लिख देंगे अपन डिक्रीज इन इसमें क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में डिक्रीज कितने का होगा? 2000 का। कितने का होगा? 2000। इनका टोटल इसके सामने लिख दें, 2 और 3 टोटल कितना होगा? 5000 होगा। और चूंकि ये माइनस वाले आगे लिखा ही है लेस, और ये इन दोनों का टोटल कितना होगा? 2500 रुपए होगा। ये प्लस वाले हैं, ऐड लिखा है, ऐड लिखा है, प्लीज प्लस कर देंगे तो 2500 दो 27500 रुपये आ जाएगा। इस 27500 में से 5000 माइनस करना है, क्योंकि आगे लेस लिखा है, तो आ जाएगा 22500। ये आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका कहलाएगा प्रॉफिट। सर नीचे संख्या ज्यादा आई थी तो ऊपर से कहते हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्या लिखा जाएगा? ये डी नंबर डाल के इसको डाल देंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट है, आपको आ सकता है। इस वाले चैप्टर से 2 सम आएंगे 4-4 मार्क्स में से, और पहला सम यही आपका बैठ सकता है। क्लियर है? इसे अच्छे तरीके से एक बार फिर बना ले, क्वेश्चन है बना के। हाँ क्या क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है।
जो वो लिरिक्स का भी ना वाइब्स को देते हैं।